डायबिटीज़ के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने का तरीका होता है, दोनों पैरों को या तो ऐसे मोड़ा, या दोनों पैरों को जो ऐसे नहीं मोड़ पाते तो ऐसे एक एक पैर को मोड़ लिया, ऐसे एक एक पैर को ऐसे मोड़ा और ऐसे बैठ गए। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाए सुखासन में बैठ जाएं। देखो बाकी पैथियों के अंदर जो इलाज होता है एलोपैथी में, खास करके अंग्रेजी दवाओं में, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। वहाँ दवाइयाँ ही नहीं, उस तरह का कोई उपचार का प्रोसेस ही नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं कि बीमारियों को क्योर कैसे करें। चलिए डायबिटीज़ के लिए एक तो ये मंडूकासन, नाभि के दोनों ओर ऐसे मुट्ठियाँ लगा दी, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, ऐसे आगे झुक करके और गर्दन ऐसे सीधी रखते हैं। आधा से एक मिनट ऐसे रुकना है। मैं कहता हूँ आसन का समय एक मिनट से लेकर के पांच मिनट तक। तो एक मिनट जब ऐसे रुकेंगे तो इससे पेट और पेनक्रियाज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब ये एक आसन है कहने को, लेकिन एक एक मिनट करके ऐसे पांच बार कर लिया तो फिर पूरा लाभ मिलेगा, डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके लिए पेनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए तो ये अभ्यास है कि एक से पाँच मिनट करना पड़ेगा। जैसे प्राणायाम का हम बोलते हैं ना कि कपालभाति कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो पाँच मिनट का एक राउंड होता है। ऐसे अलग अलग बीमारियों में तीन, पाँच और दस राउंड तक हम करा देते हैं। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको बहुत क्रिटिकल क्रॉनिक डायबिटीज़ है कि पेनक्रियाज अब काम ही नहीं कर रहा है, डीजर्नेट हो गए हैं पेनक्रियाज की सेल्स। योग के बड़े सिद्धांत मैंने हमेशा आपको कहे हैं कि डीजनेट विद सेल्स, चाहे वो पेनक्रियाज के सेल्स हैं, लीवर किडनी के, हार्ट के, लंग के, थायराइड के सेल हैं, स्किन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, बोन सेल हैं, आइज की सेल हैं, स्केल सेल्स हैं, डीजनेट विद सेल्स रीजनेट हो जाते हैं, जो बड़ा लाभ योग का है। ऐसे दूसरा अभ्यास होता है बाएँ हाथ नीचे दाएँ ऊपर, पूरा पेट ऐसे अंदर दबाते हैं और फिर आगे झुक जाते हैं। जो वज्रासन में न बैठ पाए उस सुखासन में बैठ के ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक मिनट रुकना होगा। ऐसे आप ओंकार और गायत्री का मन ही मन जप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ प्राणायाम हो, योगासन हो, जो भी आप कर रहे हैं, भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में, भगवान के आलंबन में आप करते हैं, तो प्राणायाम, योगासन, ध्यान, इसका लाभ अनंत गुना बढ़ता है।